विराट जी बोलो, क्या गाड़ी चलाते हैं आप, क्या स्पीड है। ऐसे चलते रहे तो सुबह तक तो ऋषिकेश पहुंच ही जाएंगे। एक काम कीजिए ना, उतार दीजिए, पैदल चली जाती हूँ। अच्छा उतरो। एक्सक्यूज मी, कल सुबह क्या, आज शाम को अपने घर पे पहुंची होंगी और मेरे लिए चाय बना रही होंगी, वो भी टर्किश चाय। बारात में आया और टर्किश चाय पिलाऊंगी तुम्हें, वापस घर नहीं जाना मुझे छोड़ के। क्यों, हम आपके घर एक दिन रुक नहीं सकते? तुम जैसे पापियों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। बड़ा मजाक उड़ा रहे थे ऋषिकेश वाले, ये ऋषिकेश वाले वो, रोकूंगी तुम्हारे अपने घर में। अभी मत भूलो, वो घर तुम्हारा ही नहीं, मेरी भाभी का मायका भी है और मेरे भाई का ससुराल भी है। सो मैं रूल्स के हिसाब से मैं जितने दिन चाहूँ उतने दिन रुक सकता हूँ, और आपको हमारा स्वागत करना पड़ेगा। स्वागत करूंगी ना अपनी जुत्ती के साथ। क्या हुआ इस झगड़ा गाड़ी को? क्यों, सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? लेकिन वीरेन जी, वो आज ही कह रही थी कि जब तक आप पर जसवाल का खतरा है आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो ऐसे में ये हनीमून की प्लानिंग। वैसे एक ख्याल मेरे मन में भी आया था, लेकिन लेकिन बड़ी माँ से मैं बात कर लूंगा। आपको लगता है बुआ जी परमिशन दे देंगी? वैसे अब बड़ी माँ को मनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि बड़ी माँ को कैसे मनाना है। और वैसे भी जिंदगी में अगर हर चीज इतनी आसानी से मिल जाएगी तो मजा नहीं आता। फिलहाल मुझे तुम्हारे साथ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। वो बुआ जी को मनाना है ना? बैटरी की वायर जल गई है, इसलिए जल गई। मतलब जल गई, मतलब जल गई। गाड़ी है खराब होती है नहीं चलेगी आगे। मैं ऋषिकेश कैसे पहुंचूंगी? अभी बोल रही थी मुझे जनरल बोगी में जाने दो, लेकिन नहीं, लगे डिंगे हक ने। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे जाऊं? मुझे आज ही जाना, आज ही जाऊंगी। इधर एक काम करो, यहाँ से पैदल जाओ, यहाँ से बस 300-350 किलोमीटर ऋषिकेश जाओ। यहाँ से पैदल देख रही हो मैं गाड़ी ठीक कर रहा हूँ और तुम पक पक की जा रही हो। पक पक नहीं करूँ तो क्या करूँ, तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल देखूँ या खड़ी होके? ऐसी कार लेके क्यों आती, 10 मिनट में दम तोड़ देती खटारा तुम्हारी तरह। साइकिल ले लो ना, वो ज्यादा बेटर है। यार साइकिल गाड़ी है खराब हो गई, इसका इशू क्यों बना रही हो तुम? अब मैं यहाँ पर गाड़ी ठीक करने की ट्राई कर रहा हूँ, प्लीज बकवास बंद करो प्लीज। अच्छा मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, खड़ी हुई चुपचाप, तुम इसे ठीक करो अभी के अभी।